ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई उस ब्रह्मांड की शक्ति को, परमात्मा को, ईश्वर को, माता रानी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ईश्वर ने, भगवान ने हमें पूर्ण बनाया है और उसने अनंत शक्तियां दी हैं हमें। ऐसी ऐसी शक्तियां दी हैं जिसका प्रयोग हम शायद कर ही नहीं पाते, कभी पास्ट लाइफ में भी नहीं कर पाते, उसके पास्ट लाइफ में भी नहीं कर पाते, अभी भी नहीं कर पा रहे। ऐसा समझें हम बेहोश हैं, जैसे कोई नशे में व्यक्ति अपना घर भूल जाता है, ड्रग ली हुई है उसने, अपना घर भूल गया, अपनी स्ट्रीट पे आ गया, अपने एवेन्यू पे आ गया, फिर भी उसका घर नहीं मिल रहा उसको। कभी उसको पूछता है मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। ऐसे ही दोस्तों हम भी एक नशे में घूम रहे हैं और बाहर से शक्तियों को ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई स्पिरिचुअल पावर वहां से मिल जाएगी, वहां से मिल जाएगी, वहां से मिल जाएगी। हम ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। हम मंत्र बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं, मंत्र बोलते हैं और उस मंत्र को कभी प्रैक्टिकल रूप में नहीं लाते। दोस्तों जब से मुझे अनुभव हुआ है, जब से मुझे शक्ति का एहसास हुआ है, तो मैं पागल हो गया हूं कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि बाहर ढूंढना बंद कर दो। बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंतर में है। आपने बाहरी ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, बाहर की दुनिया में बहुत घूम लिया, बाहर का बहुत आपने एंजॉय कर लिया, बाहर की बहुत स्टडी कर ली। कभी अपने आप के साथ भी गुफ्तगू करो, कभी अपने आप के साथ भी बात करो। जिस दिन आपको होश आ जाएगा कि सब कुछ मेरे अंतर में है, माताजी मेरे अंतर में है, भगवान मेरे अंतर में है, शिव मेरे अंतर में है, ब्रह्मा जी मेरे अंतर में है और मैं उस ब्रह्मांड का बहुत ही शक्तिशाली जीव हूँ, मेरा सीधा उसके साथ कनेक्शन है, उसके साथ कोई नहीं है, उसके बिना कोई नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आप होश में आ जाएंगे, आप एक दूसरे व्यक्ति होंगे। अगर आप सोचें आपके अंतर में ऐसी शक्ति ना हो, कितनी बार आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ कह देती है, जब आप बाद में सच होती है। सोई हुई शक्तियों को चेतन करना, सोई हुई शक्तियों से रूबरू होना ही शक्ति क्रिया मेडिटेशन है। आपकी सोई हुई शक्तियों को कैसे जगाया जाए, आप कैसे उस परम तत्व के साथ एक हो जाएं, ये ही एक एम है शक्ति क्रिया मेडिटेशन का। अभी इसमें बहुत सी गहराई की बातें आ रही हैं, तो जो मैं ऐसे आपको बता पाता हूँ उनको जरूर करना। पर एक बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी शक्ति क्रिया मेडिटेशन का साधक है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, वो जीवन में पूर्ण हो जाएगा। और जिन जिन लोगों ने भी अनुभव किया है, मुझे उनका आशीर्वाद मिला है, बहुत खुशी है। और ये शक्ति क्रिया मेरी नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है ना मेरी, हाँ मुझे अनुभव हुआ, आपके साथ बांट रहा हूँ। ये मुझे गुरु महापुरुषों से मिला, सिद्ध महापुरुषों से मिला, गुरुदेव की कृपा से मिला, उसको मैं बांटना चाहता हूँ। तो ईजी से ईजी ढंग है शक्ति क्रिया मेडिटेशन में हमें किस चीज का ध्यान रखना। जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति पांच तत्व का बना है ना, जल, अग्नि, वायु,
आकाश पृथ्वी पृथ्वी, और जो स्पिरिचुअलिज्म है जो आध्यात्मिकता है वो दो तत्व और जोड़ती है साथ में। दो तत्व कौन से हैं? ये पांच चक्र तक आपके पांच तत्व हो गए, जैसे मूलाधार चक्र है तो पृथ्वी से संबंधित है, इसके बारे हम बात कर चुके हैं। छठा तत्व हमारा आ जाता आज्ञा चक्र, जिसका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जन्म जन्मांतरों से आपकी तीसरी आंख बंद रहती है, आपकी खुल नहीं पाती है, आप कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं। और मैं बड़े कष्ट के साथ भी कहता हूँ कि जो मेरे बहुत क्लोज हैं लोग, उनको भी मैं कहता हूँ भाई आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, नहीं करते हैं। और मैं फिर लगता है कि जैसे गुरुदेव कृपा करेंगे, इष्ट की कृपा होगी तभी हो पाएगा, मेरे कहने से नहीं होगा। तो जहां पे जो छठी शक्ति है, छठा तत्व है गुरु तत्व, तो पांच तत्व से हमारा शरीर बनता है, और जब गुरु तत्व उसमें आता है तो तब हम पूर्ण होते हैं। गुरु के आने से हमारी शक्तियां एक्टिवेट होने लगती हैं, हमें अपनी पहचान होने लगती है। और सातवां तत्व फिर जब सस्ता चक्र जागृत होता है तो जो भगवान का तत्व है हम एक हो जाते हैं। ऐसे ही साइंस दो प्रकार के माइंड की बात करती है, कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड। अध्यात्मिकता सदा, वैसे तो इससे सूक्ष्म रूप से बहुत माइंड के स्वरूप हैं, पर अध्यात्मिकता कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड कलेक्टिव माइंड एंड कॉस्मिक माइंड। कलेक्टिव माइंड है कि जब हम गुरु तत्व तक पहुंच जाते हैं, हम भक्ति के द्वारा अच्छे कर्मों के द्वारा, तो हमारा कलेक्टिव माइंड जागृत हो जाता है। वो कलेक्टिव माइंड जागृत होने से जो भी हम आज्ञा देते हैं अपने आज्ञा चक्र को, हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, हमारी विल पावर मजबूत होती है। और जैसे हम ये चक्र हमारा जागृत हो जाता है कलेक्टिव माइंड के साथ, तो ये लास्ट वाला माइंड हो जाता है कॉस्मिक माइंड। कॉस्मिक माइंड भी उस कॉस्मिक शक्तियों का और हमारा एक हो जाना, हमारा एकीकरण हो जाना। जब हम एक हो जाते हैं फिर हम जन्म जन्मांतरों के बंधन से छूट जाते हैं। अगर चाहते हैं तो हमारा जन्म हमारी मर्जी से होता है। दोस्तों एक बात को ध्यान रखें, हमारी भक्ति में हमारी साधना में कमी कहाँ पे आती है, उस कमी को हमें प्रैक्टिकल रूप से दूर करना है। कुछ तो हमारे पास्ट लाइफ के संचित कर्म हैं जो बार बार हमें तंग करते हैं, उन पास्ट लाइफ के कर्मों को दूर करने के लिए, जो नेगेटिव कर्म है उनको दूर करने के लिए अलग अलग से ध्यान है, अलग अलग से साधनाएं हैं, कभी कभी बताते रहे हैं, आगे आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे हम। एक अगर हालात ठीक हो जाते हैं तो एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं, उसमें इनका आपको पूर्ण रूप से कोर्स कराएंगे। और दूसरा क्या होता है, जैसे हमें बहुत रास आता है दूसरों की निंदा करने में, निंदा सुनने में, किसी का नेगेटिव सोचने में, उसकी एक गांठ पड़ जाती है हमारे अंदर, वो गांठ निकलती नहीं है। और जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मानसिक जाप, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये थर्ड क्लास का जाप है, धीरे से बोलूँगा लिप्स हिलेंगे सेकंड क्लास का जाप है, और लिप्स भी ना हिलें और मन में जाप हो तो सीधा उसके साथ ले जाता है। ऐसे दोस्तों जिसमें आपका कोई बुरे कर्म में एक्शन नहीं होता है, आप बुरा करते नहीं हैं किसी का और मन ही मन में बुरा सोचते हैं, वो ब्लास्ट करता है, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। जो आप रिएक्ट करते हो किसी के साथ बहुत बुरे ढंग से, वो भी हमारे संचित कर्म में पड़ता जाता है। आप किसी का कुछ भला करके उनको डाउन करते हो, एहसान दिखाते हो, वो भी आपका आपके अंदर अंतर में एक गांठ पड़ जाती है। और जैसे जैसे हम ध्यान में आगे जाते हैं वो गांठ और मजबूत होती जाती है। यहाँ गुरु का काम आता है कि गुरु आपकी उस गांठ को खोल दे, उस गांठ को कैंसिल करे। पर गुरु भी एक बार करेगा, दो बार करेगा, पांच बार करेगा, उसके बाद उसकी शक्ति भी चली जाती है। आपको एक बार गांठ को खोल करके उसको फिर आगे नहीं बढ़ने देना, फिर आप अपने जीवन में
बहुत अमीर बनना चाहते हो तो अमीर बन सकते हो, आप भक्ति में बहुत आगे जाना चाहते हो भक्ति में जा सकते हो, आप अपने प्रोफेशन में अच्छा जाना चाहते हो उसमें जा सकते हो, आप अपने जीवन में जो चाहते हो उस चीज को कर सकते हो। इसका इसके बारे में हम कहते रहे हैं, आगे फिर कहेंगे, पर हमें पास्ट में जो संचित कर्म हो गए हमारे साथ, उन कर्मों को हमें शांत करना है, उन गांठों को हमें खोलना है और आगे कोई गांठ नहीं पड़ने देनी है। इसीलिए जो आपसे रोज कहता हूँ कि अपनी दिनचर्या में शामिल करो कि रात को क्षमा मांग के सो, क्षमा करके सो, और आपसे कोई गलती हो गई, अभी किसी के बारे में, किसी दोस्त के बारे, रिश्तेदार के बारे, किसी फ्रेंड के बारे, सहेली के बारे, आपके मन में कोई ऐसा थॉट्स आ गया, उसी टाइम माफी मांगो, अपनी गंदगी को उसी टाइम धो डालो, आप अपने आप को इतना हल्का फील करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये बातें छोटी छोटी हैं पर बचपन से गुरुदेव ने सिखाया था, उस टाइम में शक्ति क्रिया की दीक्षा भी दी उन्होंने, समझ नहीं आती थी, और जब समझ आ रही है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके पास अच्छा घर हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, आप अच्छी तरह से जिंदगी को जिए, आध्यात्मिकता जी कहती है कि आप सुखों को पूर्ण रूप से भोगो, और जब सुखों का, ताकि सुखों का त्याग कर पाओ। कभी कभी कुछ लोगों पर कृपा होती है तो ऐसे ही सुखों का त्याग कर देते हैं, वो भी सुखी हैं, और जो भोग के करते हैं वो भी सुखी हैं। पर सुखों का त्याग मतलब कैसा नहीं सुख लेने नहीं, त्याग मन से सुखों के प्रति मन भर जाए, जो मिला खा लिया, जहाँ जैसी स्थिति में रह गए, जब ऐसी स्थिति हमारी होती है तब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। जैसे आप जानते हो कि ये मेरा स्थूल शरीर है, इस शरीर के अलावा चार शरीर और हैं, चार इमोशनल शरीर हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, पर वो शरीर बहुत मजबूत हैं, उन्हीं की कृपा से हम समय सारे फल मिल रहे हैं। जैसे हम इमोशनली कुछ सोचते हैं, इमोशनली जो सेकंड टाइप का सूक्ष्म शरीर है उसको इमोशनल बॉडी कह सकते हैं, उसमें वो चीज़ जमा होती जाती है, जब हम कभी आगे बढ़ने लगते हैं वो चीज़ बाधा आती है, फिर हम उसी में खोए रहते हैं, वो इतनी मजबूत होती है उसी में खोए रहते हैं। जैसे आपसे मैं विरेचन क्रिया करवाता हूँ क्लीम कालिकायन में से, वम रूम मंत्र से, वो सिर्फ आपके पास्ट लाइफ के संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए। क्लीम कालिकायन में विरेचन क्रिया आपके अभी भी जो आपसे कोई नकारात्मक शक्ति आई है उसको नष्ट करने के लिए। जैसे जैसे आप अपने बाकी के बॉडी को, बाकी के शरीर को मजबूत कर लेंगे, आपकी बात आगे आगे बढ़ती जाएगी, आगे आगे स्थिति आती जाएगी। अभी बात आती है जो छठा चक्र है, आज्ञा चक्र, और जैसे आपने पांच चक्र के बारे में ध्यान से देखा, बीच बीच में मनन किया, अध्ययन किया, जिन्होंने किया होगा उनको अनुभव हुआ होगा, पांच चक्र तक हम आध्यात्मिकता भौतिकता दोनों से जुड़े होते हैं, पर जब इस चक्र पे आते हैं, ये चक्र शिव और शक्ति का चक्र है, जो भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर स्वरूप देखा है, आधे औरत में होते हैं आधे मेल में होते हैं, तो उस चक्र की वो शक्ति है। इसको ऐसा कह सकते हैं शिव और शक्ति का प्रतीक है, राधा जी और कृष्ण जी का प्रतीक है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का प्रतीक है। पर इस बात को एक प्रैक्टिकल रूप से सोचना, कोई भी व्यक्ति दुनिया में ना तो पूर्ण मेल है ना पूर्ण फीमेल है, हर मेल में कुछ तत्व फीमेल के हैं और हर फीमेल में कुछ तत्व मेल के हैं, ये आप महसूस कर सकते हो।
जैसे किसी मेल में फीमेल के तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसको स्त्रैण पुरुष कह देते हैं कि स्त्री के मादा इसमें इसमें ज़्यादा है। आप देखें कितने कृष्ण जी के भक्त मेल ऐसे हैं जो सारी जिंदगी औरत का रूप बना करके गुजार दिया उन्होंने, तो भगवान कृष्ण जी के चरणों में लग गए। जैसी जैसी ये स्थिति होती है जहाँ पे ये बैलेंस होता है वो बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ बैलेंस बिगड़ता है वहाँ पे कई तरह की ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे जब भी आपने साधना करनी है, आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है पर शिव शक्ति का ध्यान करना है। भगवान शिव और माँ पार्वती इस शक्ति के मालिक हैं। जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं तो आपके जो गुण हैं वो निखरने लगते हैं, आपके में क्रिएटिव शक्ति और आने लगती है, आप में झुकने की शक्ति और आने लगती है, आपकी क्षमा करने की शक्ति और आने लगती है। और आप देखोगे जैसे जैसे आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है आपको लगेगा कि आपके पास तो साधना के लिए बहुत वक्त है। जैसे और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, आप जहाँ एक घंटा साधना करते थे आप साधना तो 10 मिनट करोगे पर साधना का नशा 24 घंटे रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि 24 घंटे में ही मैंने ध्यान किया। और इसी चक्रा से पूरी पूरी हीलिंग दी जाती है, इसी चक्रा से आप अपनी सब बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इसी चक्रा से आप अपने कारोबार को हीलिंग दे सकते हैं, इसी चक्रा से आप अपने रिश्तों को हीलिंग दे सकते हैं, इसी चक्रा से आप अपने सुखों को हीलिंग दे सकते हैं। आप कहीं खेती बाड़ी वाले हो, आपका गार्डन है, इसी चक्रा से आप अपने गार्डन को ब्यूटीफुल कर सकते हो। आपका जैसे 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 आपका ध्यान की स्थिति अच्छी स्थिति होगी, आपके घर का घर भी एक मंदिर जैसा लगेगा। आपके घर में कोई आएगा उसको लगेगा कि मैं किसी अलौकिक स्थान में आया हूँ। मुझे एम है शक्ति क्रिया मेडिटेशन का, और इसमें प्रैक्टिकली करना आपको है, मैं रास्ता बता सकता हूँ। चलना रास्ते में आपको है, बातें करने से बात नहीं बनेगी, इस रास्ते से चलने से ही बात बनेगी। आपके इसके बारे में कोई इंक्वायरीज हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे भेज सकते हो। अभी हम पुरेचिन क्रिया करेंगे और शक्ति क्रिया ध्यान की ओर प्रवेश करेंगे। एक बात को आप ध्यान में बैठे बैठे सोचना, आज हम सूक्ष्म शरीर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। ये मैं कौन हूँ, मैं चामुंडा स्वामी हूँ, नहीं, मैं कौन हूँ, ये नाम तो मुझे गुरु महाराज जी ने दे दिया, मेरे माता पिता ने दे दिया, पर मैं हूँ कौन। जैसे जैसे ये क्वेश्चन आप अपने अंतर से पूछना शुरू करेंगे आपका संबंध उस शक्ति से होने लगेगा। आपको लगेगा मैं तो उस ब्रह्मांड की शक्ति हूँ, मैं उस ईश्वर की शक्ति हूँ। क्लीम कालिकाय नमः, 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 क्लीम कालिकाय नमः। मन में इस मंत्र का जाप करें।
मन ही मन में आज्ञा चक्र से रिजित देखते हुए अपनी पूर्ण चक्रा को, पूर्ण बॉडी को क्लीन करें। इसको प्रतिदिन करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। इसी तरह से आपने अपनी बॉडी को क्लीन किया, चक्राज को क्लीन किया, साक्षी रूप से अपने आप को देखने की कोशिश करें, साक्षी भाव से अपने आप को अपनी बॉडी से अलग करने की कोशिश करें और मन में हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मेरे शरीर से क्या भगवान ने ड्यूटी देनी है, अपने आप को सरेंडर कर दें उस प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अपनी शक्ति से बार बार मन में प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हूँ। इस क्वेश्चन को इतना ऑर्डर से करें कि जवाब मिलना शुरू हो जाए। मैं कौन हूँ, पास्ट लाइफ, पास्ट टाइम भर चुका है, हमारा नहीं है। फ्यूचर में अभी पैदा होना है, वो भी हमारा नहीं है। प्रेजेंट, वर्तमान हमारा है। वर्तमान को जी लें, वर्तमान पास्ट के कर्मों को, पास्ट के संचित कर्मों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। वर्तमान फ्यूचर के बीच बनकर आगे अच्छा पेड़ बने उसकी शक्ति रखता है। परमात्मा का अंश हूँ, मैं उस माँ भगवती का अंश हूँ, उसकी ज्योति का एक जरा हूँ, एक कण हूँ उसकी ज्योति का, गुरु कृपा का एक अंश हूँ मैं, परमात्मा का एक अंश हूँ मैं,
उसी का हिस्सा हूं, उसी में चला जाऊंगा। इस शरीर ने अब जन्म लिया है जी, फिर चला जाएगा, पहले भी लिया होगा। हे महाकाली, हे मां, मेरे जो भी पास्ट लाइफ के संचित कर्म हैं उनका विनाश करो मां। जो भी जितने बुरे कर्म हैं जाने में लालच में लोभ में मुझसे हुए, उन सब कर्मों का विनाश करो मां। पास्ट लाइफ के कर्मों का विनाश करो मां। पास्ट लाइफ के कर्मों का विनाश करो मां। पास्ट लाइफ के कर्मों का विनाश करो मां। मेरे जो भी संचित कर्म मेरी भक्ति में बाधा है, मेरे लाइफ की प्रोग्रेस में बाधा है, मुझे जीवन में अच्छा इंसान बनने में बाधा है, उन सब कर्मों का विनाश करो, विनाश करो, विनाश करो, विनाश करो। मैं उन सब संचित कर्मों के लिए, जिसके साथ भी जो अन्याय हुआ है मेरे से, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। सब शक्तियाँ मुझे क्षमा करें, 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 क्षमा करें। ये बहुत अच्छी ध्यान की प्रक्रिया है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे जो कभी आपकी नींद में खलल आता है, बुरे स्वप्न आते हैं, आपकी प्रगति में बाधा आती है, आपका ग्रह दोष आता है, आपका पितृ दोष आता है, सब दोष इससे नष्ट होंगे। पर बात इतनी है, शर्त इतनी है, आगे के लिए संचित कर्मों को, अच्छे कर्मों को संचित करें, बुरे कर्म का त्याग करें, साथ ही साथ उनके लिए गलती हो क्षमा मांगते जाएं। जैसे मानसिक जाप बहुत शक्तिशाली है, ऐसे मानसिक कर्म जो बुरे कर्म हैं वो भी बहुत प्रभावशाली हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। और अपने आप को चेंज करने का प्रयास करें, अपने आप को अच्छा बनाने की चेष्टा करें, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने आप में डिसिप्लिन लाएं, अपने आप को समझाने की कोशिश करें। दूसरों के ऊपर जजमेंट में का हमारा कोई राइट नहीं है। जो हम जजमेंट करते हैं, कभी कभी दूसरों को देख के उनके ऊपर फैसले थोपते हैं, वो भी हमें बहुत नुकसान करते हैं, हमारी भक्ति में, हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं। पास्ट लाइफ के लिए आपने क्षमा मांग ली, बस उस शक्ति का थैंक्स करें, उस शक्ति का ध्यान करें। धीरे धीरे ध्यान के दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। अपनी गहरी सांस लें, सांस को रोकें, फिर धीरे धीरे सांस बाहर निकालें। ऐसे सांस निकालते रहें, छोड़ते रहें, सांस को महसूस करने का प्रयास करें, सांस को, श्वास को, प्राण को देखने का प्रयास करें। सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो।
सांस कहां से आ रही है ये सोचने का प्रयास करें। सांस का किसके साथ संबंध है? हमारे भारत ने सांस को बहुत पवित्र नाम दिया, प्राण कहा है, प्राण में जिंदगी कहा है। सांस का दूसरा नाम प्राण है, लाइफ है, जिंदगी है। ये सांस कहाँ से आ रही है, किसके साथ जुड़ी है? जब हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल सांस देते हैं, जैसे ही मशीन निकलती है एंड हो जाता है। आर्टिफिशियल सांस से आप जिंदगी नहीं चला सकते, रोज़मर्रा की तरह आप जिंदगी को जी नहीं सकते। ये सांस उसी परमात्मा का प्रतीक है, उसी ईश्वर का प्रतीक है। प्राण सीधा कनेक्शन है उस भगवान के साथ। जब जब ये कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है, हमारा शरीर यहीं रह जाता है, पर आत्मा तो उसी के साथ जुड़ी हुई है। मैं कौन हूँ? मैं उस परमात्मा का एक अंश हूँ, मैं उस परमात्मा का हिस्सा हूँ। इस बात को ध्यान में रखना, मैं उस माँ भगवती की बेटी हूँ। मैं और इजी कर देता हूँ कि जिस भी इष्ट को मानते हैं आप, उसके बेटा बेटी बन जाएं। आप शिव शक्ति के बच्चे हैं, मैं उस शिव शक्ति का बच्चा हूँ, भगवान शंकर का बेटा हूँ, माँ भगवती का बेटा हूँ। और जितना भी बेटा अच्छा होता है, जितना उसका करैक्टर अच्छा होता है, जितनी अच्छे कार्य करता है, शुभ कार्य करता है, उतने माता पिता पसंद करते हैं, ऐसे ही भगवान पसंद करते हैं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, और आप अब जो नॉर्मल सांस ले रहे हो उसके ऊपर ध्यान करने की कोशिश करना। इतना ध्यान सांस के ऊपर, आप और सांस एक हो जाएं, आप और श्वास एक हो जाएं। जो इस प्राण को भेज रहा है, अब उसके साथ एक हो जाएं, उसका ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान शंकर का ध्यान करें, माँ भगवती का ध्यान करें, जो भी आपके इष्ट हैं। ईश्वर की कृपा हो रही है, उसकी रेजेज हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है, ऐसी भावना करें। हम बहुत लाइट हो रहे हैं, बहुत हल्के हो रहे हैं, हम उसी की ओर जा रहे हैं, वो शक्ति के साथ एक हो रहे हैं, वो शक्ति की कृपा हो रही है हम पे, ऐसी भावना करें। वो परम शक्ति, वो ईश्वर का परमांश हम पे कृपा कर रहा है, वो माँ की शक्ति हम पे कृपा कर रही है। उसकी कृपा की बारिश में हम स्नान कर रहे हैं, उसकी कृपा की बारिश में हम शावर ले रहे हैं।
क्या बात है माँ, तेरी कृपा है, कृपा है, दयालु माँ, कृपालु माँ। आप उस माँ की शक्ति के साथ एक हो गए, शक्ति की कृपा से आप जग गए। मन ही मन उसकी कृपा के लिए उस शक्ति का धन्यवाद करें, थैंक्स करें, शुक्रिया करें, जिसकी कृपा से आप चल रहे हो, जिसकी कृपा से सब खुशियां, सब सुख प्राप्त हुए हैं। पर ये सुख एक क्षण ऐसा आता है कि आपको जूठे लगने लगते हैं, रियल का ज्ञान हो जाए तो भी जूठे लगने लगते हैं, जहां हम पूरा सुख भोग लें तो भी जूठे लगने लगते हैं। कुछ लोग इसका सहारा, जो सक्सेस नहीं हो पाते वो भी इसका सहारा ले लेते हैं कि नहीं मेरा मन भर गया, मन भरता नहीं है, फिर कभी कोई मौका आता है तो फिर वैसा ही करने लगते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सुखों को भोगें, सुखों को भोगना पाप नहीं समझें, कारोबार को आगे बढ़ाना पाप नहीं समझें, जो भी आप करते हैं उसमें बहुत आगे बढ़ना, शुभ कार्य में आगे बढ़ना। आप अपने जैसे जैसे आगे बढ़ें दान पुण्य करने की शक्ति को बढ़ाते रहें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपकी दान पुण्य करने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, आपको पता ही नहीं चलता कब आप डाउन आ जाते हो। बस उस कृपा के लिए, उस भगवान का, शक्ति का थैंक्स, शक्ति का शुक्रिया। जो आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करें, उसको पिक्चराइज करें, अपने संकल्प को पिक्चराइज करें, अपने इष्ट के चरणों में ही रहें। ऐसा महसूस करें कि माता रानी वो सब कुछ आपको दे रही है जो चाहते हो आप। वो संकल्प को और आगे बढ़ाएं, पूर्ण रूप से महसूस करें कि आप पे कृपा होगी, आप अच्छी जॉब चाहते हो, अच्छा बिजनेस चाहते हो, अच्छा बच्चा चाहते हो, अच्छी शादी चाहते हो, अच्छा घर चाहते हो, भगवान की कृपा चाहते हो। क्योंकि जब तक आप उस संकल्प को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे। जैसे जैसे आप ध्यान में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, वो संकल्प आपको बहुत तंग करेगा। उससे अच्छा है कि माता रानी उस संकल्प को पूरा कर दें, वो संकल्प, वो गोल आपका पूरा हो गया, ऐसी भावना करें, ऐसी फीलिंग करें। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति, मन में इच्छा पैदा होना, संकल्प पैदा होना। ज्ञान शक्ति, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ज्ञान हासिल करना। और क्रिया शक्ति, शक्ति क्रिया से उस संकल्प को पूर्ण करना, उस गोल में पहुंचना। ये एम है शक्ति क्रिया का,
आपका संकल्प पूरा हो गया, गोल पूरा हो गया। इसमें जितनी देर तक बैठ सकते हो बैठना, 10 मिनट, 5 मिनट, उस गोल को, उस संकल्प को एंजॉय करना। बस भगवान का, माता रानी का शुक्रिया करें, गुरु जी का शुक्रिया करें। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वीरपंख मुद्रा करेंगे। वीरपंख मुद्रा आप जानते हैं, दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखना, क्षमा मांग लेना जो भी गलती महसूस हुई है। कभी कभी ध्यान में भी हमें बहुत सी गलतियां याद आती हैं, किसी का मन दिखाया हो वो भी याद आता है, उसके लिए उससे क्षमा मांगना। आपसे, आपके साथ किसी ने ज्यादती की है तो क्षमा कर देना, आगे की जिंदगी को शुरू करना। धीरे धीरे वीरपंख मुद्रा कैंसिल करेंगे, अपने हाथ देखेंगे और स्पर्श करेंगे। माँ आपके संकल्प पूर्ण करें, आपके गोल पूर्ण हो, आगे बढ़ें। फिर आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, परमात्मा को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप दूसरों की रटी रटाई प्रार्थना को ना करें। किसी भी आपका, अपने जिसको आप प्यार करते हो, दोस्त है आपका कोई, अपने माँ के साथ, पिता के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, वहाँ पे आपकी जो बात करने का ढंग है सबका अलग अलग होगा। अगर दूसरी की रटी रटाई बातों से आप अपने प्रिय को खुश करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा, वो आर्टिफिशियल लगेगा। जब भी हम कोई प्रार्थना रटी रटाई करते हैं, दूसरों के शब्दों में करते हैं, तो सही प्रार्थना नहीं होती है। प्यार के जो शब्द हैं वो आपके अपने हों, जैसे जैसे आप अपने इष्ट के साथ जाएंगे आगे, आपके अपने शब्द होने चाहिए, आपकी अपनी भावना होनी चाहिए, और आपका उनके साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ पूर्ण फीलिंग होनी चाहिए। जहाँ तक आप पहुँच सकते हो बिना गुरु के, इससे आगे आप बिना गुरु के नहीं जा सकते हो। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। विराजमान माँ बहुत बहुत कृपा करें।